बेटर हो। हम देख रहे हैं कि मशीन पर बनाई जा रही है सिमई, और पहले जो एक चारपाई हुआ करती थी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पुरानी जो चारपाई उसमें बनाया करते थे, महिलाएं करती हुआ करती थी और सब लोग गीत गाया करते थे, और सिमइयों को रक्षाबंधन पर्व के लिए तैयार किया करते थे। परंतु आज सब कुछ बदला है, मशीनों का दौर है। चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ना जा रहा हूं वो शायद आपको पुराने जमाने की याद दिला रहा होगा, क्योंकि ये जो सिवैयां मेरे पीछे टंगी हुई हैं, मतलब जो रस्सियों पर टंगी हुई हैं, इनको कभी हम अपने हाथों से तोड़ा करते थे। हम जब बचपन में छोटा हुआ करते थे 10 से 12 साल की उम्र में, और अपनी मम्मी अम्मियों के साथ जब वो एक चारपाई पर पेच को बांध लिया करती थी और वो घुमाया करती थी, हम उसमें लोई लगाया करते थे, और जैसे ही सिमइयां नीचे आया करती थी तो हम उनको पकड़ा करते थे, लपका करते थे, और उनको नीचे गिरने से पहले उनको जल्दी से उस पर रस्सी पर टांग दिया करते थे या चारपाई पर टांग दिया करते। लेकिन ये सब कुछ आज बदल चुका है। आज नया दौर है, नया युग है, क्योंकि मशीनों का दौर है, सब कुछ मशीनों से हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ मशीनों से आटा डाला जा रहा है, मशीनों से आटा डाला जा रहा है, और उसमें जो सिमइयां निकल के आ रही हैं उसके बाद यह सुखाया जा रहा है, उसके बाद उनको दे दिया जा रहा है। तो इससे यह हुआ, केवल हमको यहाँ आकर आटा देना है और बैठ जाना है और हमारी सिमइयां तैयार। और जैसे मैंने अभी सीनियर सिटीजन और मैं औरों से भी बात कर रहा हूँ, उनका कहना क्या है, उनकी राय क्या है, बाकी हमारे स्वास्थ्य जो शरीर, जो हम कहते हैं कि हमारा शरीर आज यहाँ दर्द कर रहा है, आज हमारा दर्द यहाँ कर रहा है, उसका कारण है कि हम इन चीज़ों से दूर हो चुके हैं। हम अपनी जो पुरानी परंपराओं और पुरानी पुरखों की जो कहते हैं ना कि शरीर का जो स्वस्थ रखने के जो हमारे एक्सरसाइज हुआ करती थी, एक साधारण एक्सरसाइज हुआ करती थी, उन सबको भूल चुके हैं हम। इसी कारण है कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ नहीं है। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिंक को शेयर करते रहें और देखते रहें, क्योंकि मैंने आज सारी चीज़ें दिखाई। मैं उन लोगों से भी बात कराता हूं जो कि यहां सिमइयां जो महिलाएं हैं वो तोड़ने आई हैं, तोड़वाने आई हैं, और क्या कहना है उनका, क्या राय है उनकी। चलिए, मेरे दिखा पा रहा हूँ, मेरे पीछे सिमइयां सूख रही हैं, और ये महिलाएँ हैं जो कि आई हुई हैं सिमइयां बनवाने। क्योंकि पहले एक दौर हुआ करता था, हम देखा करते थे कि एक चारपाई हुआ करती थी और मोहल्ले पड़ोस की सब लोग इकट्ठा हो जाया करती थी। हाँ, तो आज जैसे दौर बदला है तो क्या कहेंगे, क्योंकि पहले जब इकट्ठा हुआ करती थी महिला, ऐसा तो आप कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, तो रेडीमेड सब कुछ चल रहा है। अच्छा, तो ये जैसे आप सूखने का भी आप इंतजार करेंगे, जैसे आप बनवाने आए, आप कहाँ से आए हैं? मैं गंगावास से आई हूँ, गंगावास पहाड़ से। और आप भी? हाँ, गंगावास पहाड़ से ही आए। गंगावास पहाड़ से आइए। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि ये आपने जैसे इनको आटा दिया होगा केवल? हाँ, आटा दिया है भैया। आपकी आप तोड़ के हमारे लिए देंगे, सुखा के और हम अच्छी तरीके से करके हमारे लिए कट्टा में पैक कर देंगे, हम अपने ले जाएंगे। अभी जैसे सूरज तो निकल नहीं रहा, धूप नहीं है, तो मुझे लग रहा है सूखने में भी समय लगेगा। हाँ, सूखने में भी समय लगेगा भैया जी, धूप नहीं। अच्छा, जैसे आपने चाहा हो कि हम महिलाएं फिर ऐसे एकत्रित हो जाएं और एक चरपाई को लें और उसके मशीन को बांध दें, फिर लोई बना के करें, ऐसा करना चाहते भैया जी? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, अपने शरीर को कोई कष्ट देना नहीं चाहता, तो इसलिए ये सोचते हैं कि अंजन से ही तोड़वा लें। हम तोड़वा लें, हमें नहीं, कहीं तोड़ने वाला कोई है ना आदमी, वाले होते नहीं है, तो इसलिए बता रहे हैं कि बिजी हो चुका है जमाना, सब लोग, महिलाएं भी इस समय बिजी हो चुकी हैं। चूंकि एक महिला उस समय हुआ करती थी जब इकट्ठा हुआ करती थी, लेकिन अब परिवार में अब देखो बच्चे लग रहे हैं, कहीं 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 झगड़े बात काम कर रहे हैं, अब घर पे देखो बाहर आते हैं, सब लोग जॉब करते हैं तो नहीं हो पाता, अकेले अकेले का काम नहीं है, दो चार लोग होते तभी टूट पाते हैं, वरना आपस में है ना ही, अब चक्की है ना घर पे। अब तो पहले जो माहौल था और आज के माहौल में चेंज हुआ है, चेंजिंग आई है भैया जी आज के माहौल में, पिछले माहौल में बहुत चेंजिंग आई है। अरे हती चक्की तो काई को देती ना है, अब तो बहुत चेंजिंग आई है भैया जी, ऐसा नहीं है। पहले तो ये था कि घर पे तोड़ लेते थे, चारपाई बिछा के बांध कर, अब ऐसा नहीं है, अब तो मंजिल से तोड़वाते हैं। अच्छा, रेडीमेड अब होता है सब, सभी जगह ऐसा होता है? हाँ, सभी जगह भैया जी ऐसा होता है, अब सभी जगह हो गए, बता रहे जाने के आगे से जाएगा, कोई तुरवैया ना जब तोड़ रहती है। बता रहे हैं कि जब पहले ऐसा हुआ करता था तो शरीर भी स्वस्थ रहा करता था, लेकिन आलस हो चुका है और शरीर में शरीर में सर हो गया, क्योंकि अब इतनी आजादी आ गई है आप लोगों के लिए, अब तो अपने शरीर पर जोर देना नहीं चाहते हैं, इसलिए जिस तरीके से मशीनरी को आगे बढ़ी है उस तरीके शरीर में भी आलस आया है, जो पहले एक मेहनत भी हुआ करती थी और सब लोग इकट्ठा भी हुआ जा करते थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका, मशीनरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। मशीन चल गई ना बाहर की, जब यह है को तो भाग लगा, हम तो वही तुरवा के लाएंगे, चलो 150 रुपये चले जाएंगे तुरवाने के लिए, अब कौन तुरवाएगा, वही तुरी माला में कह दी हम भैया।
बता रहे हैं कि हम सब हम चाह भी ये रहे थे कि सब महिलाएं इकट्ठी हो जाएं, लेकिन सबने बनाया कि नहीं नहीं चलो हम वहीं से ही तुड़वा के आएंगे। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि वहीं तुड़वाए, अब शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते। अब ऐसा काम नहीं है, तो ना ऐसा भर में वहीं तुड़वा ला में। इसी वजह से क्या नाम है कुसुम आपका? मेरा बबीता जी, बबीता देवी। बबीता देवी, ये सब लोग आए हुए हैं और तुड़वा रहे हैं। मैं बता रहे हैं कि मशीन, क्योंकि त्यौहार मनाना पड़ा, मशीनरी से आज सब कुछ आसान भी हुआ है। जितना मैं समझता हूँ कि लोगों को दूर जरूर कराया, लेकिन सब कुछ आसान भी करा है। अच्छा, तो चले मेरे साथ और लोगों से बात करें। जी 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 बताऊँ कि मेरे जितने भी सिवैयों की मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे सीनियर सिटीजन है, और मैं उनसे पूछूंगा अभी उनके, क्योंकि रक्षाबंधन भी काफी बार आया होगा और सिवैयाँ भी बहुत बार तोड़ी होंगी आपने। अम्मा क्या नाम है पहले, अपन नाम बताएं। प्रेमवती। हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? ऐसा पता नहीं है, मैं समझता हूँ सबसे सीनियर सिटीजन है। अच्छा, जैसा अम्मा सिवैयाँ तोड़ी जा रही हैं। हाँ। हम देखा करते हैं कि सिवैयाँ आज रेडीमेड के दौर चल रहा है, रेडीमेड तोड़वाई जा रही है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि एक चारपाई हुआ करती थी, उसमें एक पेच कस दिया जाया करता था, जिसमें सभी एकत्रित आस पास की जो महिलाएं होती थी वो इकट्ठा हो जाया करती थी, गीत गाया करती थी, और जब सिवैयाँ तोड़ी जाती थी, वो पल आपने महसूस करें वो? हाँ, था वैसे ही टूटे ही जाता पहले था। हाँ, हाँ। अब तो कोई जाने ही ना पे चढ़ने, हमने खूब तोड़ी है भैया से, अब जो टूटे ना हम पहले। अच्छा, पहले उनमें ज्यादा मेहनत हुआ करते थे, स्वस्थ भी ज्यादा रहा करते थे, लेकिन अब तब मशीनों ने आलकस भी ज्यादा कर दिया, शरीरों में आलकस आ गया, ऐसा है कुछ? ये टाइम बच रहा है हमारा, दिन भर टाली रहने पर तोड़ ना सके घर अब। ये बता रही है कि जो महिलाएं हैं वो हमारी, मैं समझता हूँ कि टीवी का धारावाहिक तो जरूर देखेंगी, लेकिन जो एक मेहनत का काम है, जो जिससे शरीर स्वस्थ रह सकता है, मेहनत ना करती है ऐसे ही दुख पा रहे हैं, ऐसे ही दुख पा रही है। कोई किसी का कान दुख रहो, किसी का बुखार चल रहो, अब पहले मेहनत कर रही खूब, कोई जाने भी नहीं कैसे बुखार हो गए, तन मना बुखार आयो ऐ भांग की गोली बना के खा लीजो। हाँ, हो गई निंद्रक। अच्छा, आजकल की महिलाओं से हम कहें कि अगर आप सिवैया तोड़िए तो सिवैया वो तोड़ नहीं पाएंगे। आपने भी तोड़ी थी अम्मा सिवैया? हमने बहुत तोड़ी भैया, बहुत तोड़ी थी। आप बता रहे हैं कि बहुत हाथ पांव ना चलते हैं, तब बता रहे हैं कि उम्र बैठ कर यहीं आप धीरे धीरे आ गई। उम्र का एक पड़ाव हुआ करता था, वो एक उम्र हुआ करती थी जिसमें हम सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे और सिवैया तोड़ा करते थे, लेकिन आज एक उम्र मैं समझता हूँ ढल रही है और 200 साल जिंदा रहे। भगवान तो लिए ले हमने तो। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, ये थी मेरे साथ बहुत सीनियर सिटीजन है, उन्होंने बताया कि पहले हम सब प्यार मोहब्बत ज़्यादा हुआ करती थी, आज की महिलाएं जो शायद इन चीज़ों से बचती हैं, जबकि इन चीज़ों से हमारा स्वर जो शरीर है वो स्वस्थ रहा करता था, लेकिन आजकल आलस आया है और सब आलस करने लगे हैं। अच्छा, जैसे अम्मा ये तो उसकी बात हो गई, हम देखा करते थे, आपने चक्की भी पीसी है? ए भैया, हमने आटा जो हुआ करता तीन तीन बजे से दो दो बजे से पीसा हुआ है। हाँ, फुलवा और ये को मक्का पीसा ही। हाँ, बता रही है कि जो चक्की पर जो गेहूं और मक्के का जो आटा पीसा करते थे, हम स्वयं पीसा करते थे उसको पीसा, क्योंकि चक्कियों का दौर अब आया है, जब चक्कियों का दौर नहीं था, केवल हाथ की चक्कियाँ हुआ करती थी, उससे शरीर भी स्वस्थ रहा करता था और हम भी हाथ से मशीन खींचे, नार काटे, लेकिन अब सब कुछ रेडीमेड हो चुका है, सब मशीन। बता रहे हैं कि जो हमारे शरीर का जो गिरावट का और जो स्वस्थ न रहने का कारण है वो यही कारण है कि हम मशीनों का दौर ज्यादा हो। नौ नौ दस दस घोरन की कुट्टी खेचे। बता रहे हैं कुट्टी काटने की मशीन हो, चक्की चलाना हो, ये सारी चीजें हम करा करते थे, लेकिन आज का दौर बदल चुका है, आज ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना सब बदल गया। आप कहाँ से आई हैं? जलीलपुर से। जलीलपुर से आप सिवैया तोड़वाने आई हैं? हाँ। अच्छा, ये सिवैया कैसे, आटे से तोड़ती है, मैदा से तोड़ती है? मैदा से भी टूटा, आटे से भी। अच्छा, जैसे हम पहले देखा करते थे चारपाई हुआ करती थी, उसमें एक पेच जिसको हम कहा करते थे पुराने जमाने में, उसको महिलाएं और बच्चे करते हुआ करते थे, तब वो तोड़ा करते थे हम उसको। जितनी मशीनें पड़ी उस साल का ज्यादा बड़ा है, लेकिन पहले जो एक मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो जाया करते थे, पड़ोस के बच्चे सब, और सब जब मिलकर तोड़ा करते थे। अब ऐसा नहीं होता। अच्छा, जैसा आपने चाहा हो कि हम सब मोहल्ले की इकट्ठी हो जाएं और वहां ना जाकर अपने घर पे ही तोड़ा, तो ऐसा कभी कोई नहीं तोड़ा, सबने कह दिया मशीन से तोड़वाएंगे। तो मशीन की अच्छी रहा करती थी या वो वाली पहले अच्छी है? पहले वाली अच्छी है।
बता रहे हैं कि पहले वाली टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा करता था क्योंकि उसमें सबका प्यार हुआ करता था, सबकी मोहब्बत हुआ करती थी, सब लोग एकत्रित हुआ करते थे, गीत भी गाया करते थे। लेकिन आज सब मशीनों का दौर है, समय कम लगता है, इनसे आते हैं और फौरन तोड़ के ले आते हैं। आपको कितना समय हुआ होगा? दो घंटे। मैं समझता हूँ जो पहले थोड़ा करता था उसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा, पूरा दिन हो जाया करता था। अच्छा, ये रक्षाबंधन पर होता है, तो रक्षाबंधन पर क्या पर इसको मुहाज दिया जाता है? रक्षाबंधन के लिए तो बनाई जाती है, इस पर मिठाई के रूप में तैयार करते हैं, नमकीन को तैयार करते हैं, पूछते हैं। बता रहे हैं कि रक्षाबंधन पर ज़्यादा महत्व है और इसके लिए तैयार ज़्यादा की जाती है, यहाँ आए हैं इसके भाई। अच्छा, जैसे हम पहले देखे करते थे, एक चरपाई हुआ करती थी, उसमें छोटी सी मशीन को हम बांध दिया करते थे और जो घर के आस पड़ोस की महिलाएं एकत्रित हुआ करती थी वो उसमें लोई लगाया करती थी, मशीन चलाई जाती थी, फिर सिवैया बनाई जाया करती थी। क्योंकि आज युग बदला है, ज़माना बदला है, तो नई मशीनों से ये तैयार की जा रही है, तो पहले ज़्यादा अच्छा लगता था या आप रेडीमेड के तौर पर बनवाने आए तब अच्छा लगता, क्योंकि पहले सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे? पहले अच्छा हुआ करता था, सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे। और अब आप आटा लेकर आए होंगे, ये आटे के किलो के हिसाब से बनाते होंगे, तो अब ये सब ऐसे ही बनाते गाँवों में? वैसा तो मुझे लग रहा चलन नहीं है, सब ऐसे ही नीचे बनवाने आते हैं। आप बता रहे हैं कि क्योंकि पहले गांव में एकत्रित महिलाएं हुआ करती थी तो हम सब लोग इकट्ठा होकर बनाया करते, क्योंकि आज युग और ज़माना बदल चुका है। तो ये जैसे मुझे लगता है ये सूखती होंगी, सूखने के बाद आप यहाँ से ले जाते होंगे, आज जैसे मौसम थोड़ा सा नमी भरा है, धूप को निकल नहीं रही, टाइम ले रहेंगे सूखने में? आप कहाँ से आई हैं? बस स्टैंड पर। बता रहे हैं कि हम दूर से आए हैं और यहाँ बनवाने आए हैं। चलिए मैं औरों से भी बात कराता हूँ आप। तो चलिए मेरे साथ, मैंने दिखाया कि आपको सिवैया किस तरीके से तोड़ी जाती हैं और क्या महत्व होता है और किस तरीके से जो महिला मेरे साथ सीनियर सिटीजन भी हैं और यंगों से भी मैंने बात कराई थी कि क्या महत्व होता है, किस तरीके से तोड़ी जाती हैं और क्या हमको पर्व में इस्तेमाल की जाती है। चलिए मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लिंक को शेयर ज़रूर करें जिससे कि इन सब की बातें उन तक ज़रूर पहुँचें जो हमारे चैनल को निरंतर देख रहे हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़। मशीनों से तैयार की जा रही हैं सिवैया जो कि रक्षाबंधन पर्व पर ज़्यादा महत्व रहता है। सूखने के बाद सिवैयों को वापस दी जा रही हैं, क्योंकि पहले आटे से मशीन में लोई डालकर निकाला गया था, ये मशीन है सिवैयों की, और उसके बाद जो है सूख गई हैं, अब उनको जो है वापस की जा रही है।